क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में शानदार मैच खेला गया। इस मैच में ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेली और पूरे मैच में पंत ही पंत छाए रहे, लेकिन दिल्ली की पारी की आखिरी बॉल पर सबसे बड़ा हादसा हो गया जब जसप्रीत बुमराह पिच पर ही धराशायी हो गए और तड़पने लगे, फिर तो सबकी सांसें थम गई। तो आपको बताते हैं क्या हुआ मैदान में, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। तो पारी का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह कर रहे थे, तब तक बुमराह 5 बॉल पर 15 रन दे चुके थे और आखिरी बॉल पर ऋषभ पंत के सामने थे। पंत ने बुमराह की बॉल पर शॉट मारा तो बॉल गेंदबाज की ही तरफ गई। इसी दौरान बुमराह ने बॉल को पकड़ने की कोशिश की मगर अचानक क्या हुआ पता ही नहीं चला, अचानक जसप्रीत बुमराह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। बुमराह पिच पर ही धराशायी हो गए और वहीं पर गिरकर जस्सी की हालत खराब होने लगी। बुमराह ने अपना कंधा पकड़ लिया और बुरी तरह तड़प रहे थे। इस दौरान अन्य खिलाड़ी तुरंत वहां पहुंचे। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने वहां घेरा बना लिया, तुरंत फीजियो को भी बुला लिया गया। हालांकि इस दौरान पंत ने दौड़कर अपना 1 रन पूरा कर लिया मगर बुमराह की हालत बेहद खराब थी। कुछ देर के लिए सबकी हवाइयां उड़ गई थी, हालांकि बाद में बुमराह खड़े हुए लेकिन वो स्टेडियम से बाहर फीजियो के कंधे का सहारा लेकर ही गए। यानी बुमराह ठीक तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब ऐसे में हम तो यही दुआ करेंगे कि बुमराह को कुछ ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप भी है और बुमराह का यूं चोटिल हो जाना टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।